हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। एनीवेज ये तो चलता ही रहेगा शब्बीर का, कोई देखे ना देखे शब्बीर जरूर देखा। चलो मंजूर भी आए आज जी। मंजूर जी क्या हाल है आपका? सलाम अलैकुम, कैसी हो? सब लोग कैसे हैं? अच्छे जी, मैं हूँ, आप आइए। यार ये शब्बीर तो शब्बीर जोश में, इतना जोश मत करो यार शब्बीर। आप लोग आप ऐसा बात करते हो, जो तरीके से आप बात करते हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम, तो आप ऐसे तरीके में आते हो, बात करते हो, उनको कत्ल कर दो, ये कर दो, ये इट्स नॉट योर ड्यूटी मैन। यू आर अ नॉर्मल पर्सन, यू आर अ नॉर्मल मुस्लिम। आप नमाज करो, अपना जो आपके फर्ज है वही करो। जो आपका कोई किसी किसी मुसलमान को कोई किसी का हक नहीं बनता, किसी बे किसी ने गलती किया है जाओ उसको मार डालो। प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू। किसी को हक नहीं पड़ता है, किसी को हक नहीं पड़ता है कि बेगुनाह को मार डालो। मगर आपने उस दिन कहा था कि भाई जो ब्लास्फेमी करे उसके लिए यही सजा है। मंजूर नहीं, मैंने मैंने ये कहा था कि देखो द प्रॉफिट, आप लोग नहीं समझते हो यार ना, मैं बता रहा हूँ कि हमारे लिए जितना हिंदुओं के लिए उन लोगों की भगवान और रेड लाइन, तो हमारे प्रॉफिट हमारे लिए भी रेड लाइन। तो जो बात करे करो, टॉक अबाउट डिफरेंसेस, टेल मी दैट यू आर रॉन्ग, हमको बताओ कि आप यहाँ गलत हो, डिस्कस करो हमारे साथ। लेकिन जो तरीका होता है बात करने का ना, तो दैट व्हाई आई एम सेइंग। नहीं मंजूर जी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, तरीका क्या हुआ? हम अगर आपकी कुरान से कोई चीज कोट कर देते हैं तो उसको उठा के ब्लास्फेमी बोल दी है। नहीं कोट करो, कुरान में कोट करो, हमको बताओ, हमको ये पसंद नहीं है, ये गलत है, हमसे डिस्कस करो, वो हमारी सुनो, आप भी सुनो, हम भी सुनेंगे। दिस इज ओके फॉर इस्लाम, इट्स वेरी इट्स नॉर्मल। लेकिन बात बातों में आइडियोलॉजी दैट इज बीइंग स्प्रेड, तीन लोगों की जाने इस वजह से गई है क्योंकि उन्होंने उस बंदी को सपोर्ट किया जिसने ब्लास्फेमी नहीं की थी, उसने आपके कुरान से फैक्ट्स बताए थे। तीन बंदों की जाने इस पे चली गई, डायरेक्ट ब्लास्फेमी नहीं की। ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत। हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो कह रहे हैं किसी का भी गला काटना अगर आपका बिलीव उस पर नहीं है तो इसका मतलब रखेगा। जैसे आप लोगों का हिंदू गॉड्स पे बिलीव नहीं है, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो इसी तरह से उन पे फर्ज नहीं है किसी और पे, किसी और रिलीजन वाले पे, कि आपके रिलीजन की किसी भी चीज को या किसी भी आप प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करें। अब क्रिश्चियनिटी देखो, क्रिश्चियनिटी आप लोग मानते हो क्रिश्चियन की बुक को, आप जूडाइज्म की भी बुक को मान रहे हो, आपकी वो सारी चार बुक्स आई है, मगर उनमें से कोई नहीं मानता आप लोगों के प्रॉफिट को। कोई भी नहीं कहता कि मोहम्मद जी कोई आए थे या वो प्रॉफिट थे, वो क्यों आए थे? तो वही ना, नहीं मानेंगे, मगर आप कह रहे नहीं जबरदस्ती मानो और जबरदस्त करो। नहीं नहीं, मेरी दिस इज नॉट करेक्ट। नहीं मत मानो, आप मत मानो, यू एंजॉय योर लाइफ, आप खुश रहो, खुश रहो और हमें खुश होने दो। लेकिन जब जो यहाँ जो पॉलिटिक्स अंदर आ गई, जो इंडिया, जो मैं हजार बार बोलता हूँ, जो इंडिया में हो रहा है, इट्स अ पॉलिटिक्स मोर देन रिलीजन फाइट, इट्स रियली पॉलिटिक्स। अभी इंडिया इंडिया में जो हिंदू और हिंदू और मुसलमान के कर रहे हैं, सारे मुल्कों में जाओ यार हिंदू, यू आई गिव यू एग्जाम्पल, ओके, आई बीन, यू गो टू दुबई फॉर एग्जाम्पल, यू गो फॉर कतर, यू गो एनी, यू गो मलेशिया, हाँ हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, दे आर लिविंग वेरी पीस, वेरी हैप्पीली। इंडिया का और पाकिस्तान का वही पॉलिटिक्स। सो इस्लाम, जो इस्लाम को देखो, अभी कोई हमारे प्रॉफिट को नहीं मानता, ओके थैंक यू वेरी मच, मत मानो, नो प्रॉब्लम, मत मानो, बस हमारे प्रॉफिट को बुरा मत बोलो, हम आपको बुरा नहीं बोलोगे, साथ साथ जिएंगे, वी लिव हैप्पीली, यू नो। दुनिया ऐसे चलेगी ना, कोई की फेथ को गलत मत बोलो। अगर आपको पसंद नहीं, हाँ बोलो, मुझको ये पसंद नहीं, क्यों पसंद नहीं मुझको बताओ, मैं आपको जवाब दूंगा। इफ यू डोंट, इफ यू डोंट इवन इवन दो इफ यू डोंट अग्री, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका सोच है। देखो मंजूर जी, आप सबका मुंह नहीं बंद करा सकते हो ना दुनिया भर में, दैट्स द होल इशू। चंद मुल्क ऐसे हैं जहां पर वो अपने खुदाओं को नहीं बख्श, लोग तो अब किसी चीज पे मानते भी नहीं है, राइट? तो अब उनको क्या कहो? यू कैन नॉट, देखिए मैं जितना भी चाहूं
लोग मुझे गाली ना दें, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल. आप जितना चाहें आप, और आप जितना कर रहे हो उससे ज्यादा और ब्लास्फेमी हो रही है. फ्रांस में आपने करा, उन्होंने सारे कार्टून हर जगह घुमा दिए, पूरी बिल्डिंग्स में लगा दिए, उससे क्या हुआ? और ज्यादा होगा. जितना आप रोकोगे उतना लोग और रिबेल करेंगे, वो और अगर इतना वायरल नहीं होता ना ये नुपुर शर्मा का केस, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस्लाम की लोगों को पता ही नहीं थी, लोगों दूसरों को भी नहीं पता थी जो मुसलमान नहीं है, मगर अब उनको भी पता चल गई है, वो भी जाके सर्च कर रहे हैं कि भाई आयशा की एज क्या थी, राइट? तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हो शोर मचाकर, जलाते हो. उन लोगों को पता होने चाहिए, हम जानते, हम चाहते हैं यार पढ़ो, लेकिन यू शुड गो टू द राइट राइट सोर्स. इस्लाम के बारे में पढ़ो, नो प्रॉब्लम, आयशा के बारे में, सबके बारे में. बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने कुरान को अच्छी तरीके से पढ़ा है और उसके ट्रांसलेशन को पढ़ा है, हदीसों को पढ़ा है, और उसमें से जब वो मोरालिटी का क्वेश्चन उठाते हैं, भाई उस साल उस जमाने में, चलो माना उस जमाने की मोरालिटी डिफरेंट थी, मगर आज की तो दुनिया में आ जाओ, नहीं उस जमाने की मोरालिटी को आज डिफेंड कर रहे हो आप बैठकर. 21st ये जो एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम इज, देखो अगर कोई इंसान को दुख पहुंचता है, अगर एक इंसान को पसंद नहीं कि उनको माँ को कोई गाली ना दे, आपको पसंद नहीं है आपको कोई आपकी माँ को कोई गाली दे, अगर एक बार दे, दो बार दे, तीन बार दे, आप गुस्सा करोगी, तो इट्स सेम थिंग हियर. मैं काटूंगी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती है कि मेरी माँ को कोई गाली दे या ना दे, मैं सर नहीं काटूंगी उसका. नहीं सर काटने का नहीं, एक्सट्रीमिस्ट मैं चली जाऊंगी. लोग यहां से एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं. सर काटना इज नॉट अलाउड, हु सेड इट्स अलाउड? जो वो आज की नहीं है. नहीं ये बात गलत कर रहे हो आप, हदीसों में लिखा हुआ है जहां पर जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्रिटिसाइज करते थे उनको मारा गया, और उन्होंने उस पर कोई कंडेमनेशन नहीं की, उन्होंने एक्चुअली उनको प्रेज किया. ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल सेट हो गई वहां पर सुन्नत हदीस में. फिर आप आगे बढ़ते हो तो सबसे पहले ही जाकर मक्का में जो है वो बुत वगैरह जो तोड़े थे सारे, तो वो किसने तोड़े थे? किसी और के रिलीजन के जाकर वहां पे जाके बनू कुरैज़ा के साथ जो किया था वो क्या किया था? उनके भी सर कलम किए थे सबके, क्योंकि वो नहीं मानते थे आपकी रिलीजन को. फिर आगे बढ़े आप तबाही मचाते गए, फतेह करते गए करते गए करते गए, आप गए स्पेन में, आप गए ईरान में, अफगानिस्तान के, आपने गले काटे, या तो आप कन्वर्ट करो, जिजिया दो, या निकलो यहां से. ये ऑप्शन दिए आपने. ये तो 1400 साल से चलती आ रही है, इंडिया पाकिस्तान तो अभी बना है, पॉलिटिक्स तो अभी आई है इसमें. आपने वाह 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 वाह, आपने 14 इस्लाम की हिस्ट्री एक मिनट में ऐसा के बताया कि आप वहां थी, सब कुछ आपके आंखों के सामने सब कुछ हो गया. तो आप नहीं जानते ये जो हिस्ट्री जो लिखता है विनर लिखता है यूजुअली. इस्लाम में आप बता रही है वो लोग खुश थे, वो लोग खुश नहीं, सर कलम का बात कर रहे हैं, पहले सर कलम का बात. मंजूर जी मैं नहीं मानती चलो इस हिस्ट्री को, तो ये जो बिलियंस ऑफ मुसलमान बैठे हैं वो क्यों मान रहे हैं? आप क्यों मान रहे हो? आप भी तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझ में और आप में फर्क है. नहीं, वही दिमाग दोनों का, आपका बिलीव अलग होगा, मेरा बिलीव अलग होगा, मगर मेरा बिलीव वही. अभी आपने बात की कि भैया आप तो वहां थी नहीं देखने के लिए, तो आपको क्या पता, तो आप भी नहीं थे ना वहां पर देखने के लिए, आपको क्या पता? नहीं नहीं नहीं, जो आप स्टोरी बता रहे हो कि सल कलम हो गया, बनी कुरैज़ा के साथ ऐसा हो गया, तो आपको पहले देखो, इफ यू वांट टू डू जस्टिस, इफ यू वांट टू डू रियल जस्टिस, यू हैव टू रीड द हिस्ट्री फ्रॉम द एटलीस्ट जो बीच के पीपल थे. इस्लाम की जो हिस्ट्री आप तक पहुंची किसने लिखी है? मुसलमानों ने खुद लिखी है. अगर ये हिस्ट्री ये और डिफरेंट डिफरेंट पीपल ने लिखी है, अगर आप जानते हो सबसे वन उसका नाम है इब्न कसीर, अत्तबरी, उसने मैं 300-400 साल हिस्ट्री लिखी है, और वो बहुत जस्टिस आदमी था, लेकिन इसने बहुत बड़ा गलती किया. आज जो बात अभी आप कर रही हो उसके गलती की वजह से उसने कहा यार मैं
ये भी लिखूंगा वो भी लिखूंगा और ये मैं रख दूंगा फॉर द कमिंग जनरेशन टू चूज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. तो उसने नेगेटिव पीपल का भी बात ली, पॉजिटिव पीपल का बात ली. इसमें नहीं है कि जो आप लोगों की बुक्स लिख दी लोगों ने, आप लोगों को जानना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी बुक्स में से ये चीजें निकालनी पड़ेंगी. बनू कुरैज़ा का वाक्या अगर आपको नहीं पता तो ये लिखा हुआ है, नहीं पता है, मैं आपको पढ़ता हूँ, सुन ले मेरी बात, पढ़ा है, पता है ना आपको. तो फिर उसमें कितना बुरा किया गया था, वो कैसे करा गया था, और उस वक्त कौन थे वहां पर, कौन लीड कर रहे थे उसको, आपको पता है वो जंग को कौन लीड कर रहा था. ओके मेरी, अगर आपके घर में कोई आ जाए, आज घर के पास आपकी और पड़ोसी की लड़ाई हो जाए, तो आपने अपने पड़ोसी को बता एक एक अग्रीमेंट की है, वो अग्रीमेंट से और आपकी पड़ोसी वो अग्रीमेंट तोड़ दे, आपके घर में चोरी चोरी करे, आपकी बेटी को बुरा बुरा करे, क्या आप ऐसे बैठोगी या पुलिस में जाओगी? तो बनी कुरैज़ा में एक अग्रीमेंट था, उसने कितने लोगों को मार डाला. That is not what it was. That is not what it was. ठीक है, चलो मैं मान लेती हूँ एक का ले लो, बाकी लोगों पे जाकर क्यों कब्जे किए फिर आप, अपनी तलवार लेकर क्यों चलते गए चलते गए चलते गए, आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया है और आधी दुनिया पे बैठे हैं कि हमें राइट्स दो, हम यहाँ भी कब्जा करेंगे. इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है, इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा, शरीयत पूरी दुनिया पे नाफिज होगी यार. एक बात सच बताओ प्लीज, सच बताओ, ना ऊपर देखो ना इधर देखो, नहीं सच बताओ, आप नहीं जानती कि इस्लाम इस्लाम की कॉन्सेप्ट के इस्लाम स्प्रेड करो उसका रीजन क्या है? जानती हो या नहीं बोलना चाहती या नहीं जानती, मुझको बताओ. क्या रीजन है भाई, मुझे बताइए. व्हाई मुस्लिम्स इन मुस्लिम, देखो अभी हिंदुओं के पास कॉन्सेप्ट नहीं है, हिंदुज्म इन इंडिया, उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस्लाम स्प्रेड करो. मुस्लिम्स के पास एक कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम स्प्रेड करो, इसका मतलब जानते हो, इसका वजह वजह जानते हो, क्रिश्चियनिटी से आया ये कॉन्सेप्ट, क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्जन करवाई जाती है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, जी ओके, विद क्रिश्चियंस विद मुस्लिम, इसका वजह जो क्रिश्चियनों के पास है सेम हमारे पास है, तो ये आप जानती हो उसका वजह क्या है, जानती हो? थी पुराने जमाने में थी, आज लोग खड़े होके कह रहे हैं और कंट्रीज ने राइट्स दिए हैं उनको कि वो किसी भी रिलीजन को नहीं फॉलो करें, तो आप आके थोपते क्यों हो फिर अपनी रिलीजन हम पे, ये नहीं, कहते हैं हमको मानना है, हम माने भी, और ऐसे बंदे को जिसने ऐसी हरकतें की हैं जो आज की मोरालिटी पे बिल्कुल ही जमीन पे गिरती हैं, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको बोलो भी नहीं, उसके बारे में बात नहीं करो, जबरदस्ती नहीं है, हमारी फीलिंग्स हो जाएंगी, फॉलो नहीं करनी है मत करो. अभी देखो अब हमारे कोई बुजुर्ग है, हम उसको आप उसको फॉलो मत करो, नो प्रॉब्लम, मैं उनसे प्यार करता हूं, और अगर आप मुझसे दोस्ती चाहते हो तो सब उसको मेरे सामने बुरा मत बोलो, अपने घर में चुपके से बोलो, इट्स योर प्रॉब्लम, मेरे सामने मत बोलो. आपने दादा ने किसी का कत्ल किया हो, मेरी कितनी भी अच्छी दोस्ती हो आपसे, तो मैं क्रिटिसाइज तो करूंगी ना. नहीं, आपको ये कत्ल गलत है, मेरे नहीं कत्ल नहीं की, मेरे दादा ने अगर 6 साल की बच्ची से शादी की होती ना, और लोग यहाँ पे बैठ के उनको पेडोफाइल बोलते, तो मैं कहती सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था. मैं ये नहीं कहूंगी नहीं उनको रिस्पेक्ट करो क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था. द प्रॉब्लम विद यू इज आप लोगों के दिमाग में एक चीज समझ में नहीं आ रही है. हम लोगों को आप बोलते रहते हो ना आपके दिमाग में समझ में नहीं, हमें समझ आ रही है, हमें समझ आ रही है, इन मुल्कों को भी समझ आ गई है कि रिलीजन कैन डिस्ट्रॉय एनी कंट्री. ठीक है, इन्होंने इसी वजह से रिलीजन को उठा के साइड पे कर दिया. ठीक है, अब कर दिया इन्होंने साइड पे, मगर फिर आप लोग आ गए अपने रिलीजन दिखाने के लिए. इन्होंने रिलीजन को बंद कर दिया था में और रख दिया था पर, मगर अब ये फिर उड़ के खड़ा हो गया है और आप लोगों ने खड़ा किया है इसको. आप लोगों ने खड़ा किया तो अब क्रिश्चियंस भी यहाँ खड़े हो गए, वो हिंदू तो छोड़ो, यहाँ पे क्रिश्चियंस अब खड़े हो गए कि नहीं ये नहीं होगा, और होना यही है. एट द एंड ऑफ द डे फिर से लड़ाई होगी इंडिया की, फिर से. मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, हिंदू बैठे आप गले, मैंने आप गले काटते हो तो दूसरे लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो
हो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो चुप नहीं बैठेगा। आपने क्या कहा था कि आपके घर में एक दफा चोरी हो, दूसरी दफा चोरी हो, तीसरी दफा आएगा तो मैं भी उठा के गन मारूंगी, ठीक है ना उसको। तो ये अब आप लोगों की धांधली नहीं चलेगी। दिस इज लाइक फोर्सिंग पीपल कि नहीं, यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस पर्सन, आपका बिलीव हो या ना हो, यू हैव टू लाइक दिस इज, हम तो वही बता रहे हैं ना जो आपकी बुक्स में लिखा है। या अपनी बुक्स बंद करके आप चेंज करवा दें, या आप हमारे मुंह तो नहीं बंद करवा सकते, बस क्या करेंगे, मार सकते हैं। तो एक मारोगे दो और पैदा होंगे, हर रोजाना एक एक्स मुसलमान का चैनल उठ रहा है, एक मारोगे और खड़े हो जाएंगे। आपको कोई सुनेगा ना, अगर मैं कोई एक दोस्त अपना लाऊं और वो कुछ नहीं जानता है, आपका जो अगर वो आपका बात सुनेगा, उसको लगेगा सारे दुनिया में हल्ला है, अभी मुसलमान और हिंदू और क्रिश्चियन लड़ाई कर रहे हैं यूएसए इन अरब कंट्री, आप पीपल आर लिविंग वेरी सेफली, इतना डंडोरा आप लोग क्यों कर रहे हो, पीपल आर लिविंग वेरी सेफली बिकॉज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेस्ट। पीपल आर नॉट लिविंग सेफली इन मुस्लिम कंट्रीज, इवन मुसलमान, उनको खुद को ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते। क्या ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं पाकिस्तान वाले, कोई नहीं दे रहे। पाकिस्तान देखो मुसलमान कंट्रीज से ज्यादा बेहतर मुसलमान नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं, समझ में आई ना, कोई नहीं राइट्स देते। ओके, आपके आपको किसने बताया कि पाकिस्तान इज रिप्रेजेंट इस्लाम? पाकिस्तान इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इस्लाम। हु सेड? सऊदी अरब उठा लो, अफगानिस्तान उठा लो, ईरान उठा लो, कौन सी कंट्री उठानी है आपने, कौन सी कंट्री उठाओगे? मलेशिया में जाओ, सऊदी अरब इज ओके क्योंकि सऊदी अरब गढ़ है इस्लाम का, ठीक है। वहां पे अभी 2019 में औरतों को राइट मिले, टाइप करने के अभी 2019 में राइट मिले हैं उनको, कोई राइट नहीं है। अच्छा हो रहा है, तो अच्छा हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। हाँ, अब खुश होना चाहिए, इतना सर फोड़ कर जाकर 2019 में राइट्स ही हैं, और आप लोग उन कंट्रीज का बोल रहे हो यहाँ पर जहाँ राइट्स हैं वहां पर आके शरिया ले आओ। यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ शरिया लाना चाह रहे हैं, तो मैं बोलूँ शरिया लाएंगे हम, शरिया सारे दुनिया में लाएंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एक दिन सारे दुनिया मुसलमान हो जाएंगे, आपकी बच्ची की बच्ची की बच्चे की बच्चे सब मुसलमान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो बोलेंगे आपकी बच्ची की बच्ची की बच्ची, ओ माय ग्रैंड मॉम, माय ग्रैंड मॉम, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, माय ग्रैंड मॉम को जन्नत नसीब करे। आप लोगों का पता क्या होना है, हम लोगों ने जो दूसरे सेंसिबल लोग है ना, हम लोगों ने छोड़े आप लोगों को अर्थ पे, हम चले आएंगे मार्स पे इलॉन मस्क के साथ। आप लोग यहाँ पे फोड़ते रहना एक दूसरे को, सारे मुसलमानों को अर्थ पे छोड़ो, हम जाते हैं मार्स पे, हम सारे जो है ना दूसरे लोग मार्स पे जाके जी रहते हैं, इनको यहाँ छोड़ो, फिर ये सिया शिया सुन्नी से लड़ रहा होगा, देवबंदी दूसरे से लड़ रहा होगा। नहीं, हम करेंगे, आप लोग मार्स में जाओ, आप लोग मार्स में जाओ, हम जमीन पे, ठीक है, हम अपने आप बात करेंगे। कभी जाओगे टाइम दो, अभी आज टाइम दो, कभी जा रही हो? कीड़ा हुआ कि मार्स पे भी जाकर इस्लाम का वो करना है, मार्स में वहां आना जरूरी है, आप लोग तो जाएंगे वहां, आप लोग तो मार्स जाएंगे, वहां आना जरूरी है ना इस्लाम स्प्रेड करने के लिए, ये नॉर्मल है। आपसे बस एक चीज बोलूंगी और शबीर से कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यूं करेंगे, मगर आपको आगे से ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो दूसरे लोग बैठे हैं क्या वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या वो कहेंगे हाँ 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 आइए आइए शरिया लेकर आइए, प्यार से करेंगे, प्यार से करेंगे। हाँ, ये जो आपका पॉलिटिकल ये आ रहा है ना प्यार, अभी हम पता है किस तरह कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। आज आप लोग देख लेना कि वेस्टर्न कंट्रीज अपने ह्यूमन राइट्स चेंज करेंगी, आप देख लो, लिख लो आज मेरी बात, जब राइट आई ना मंजूर, आप तो बैठे हो ना जहां पर, वहां पर भी आई ना। नो, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाम स्प्रेड हो जाएगा विद लव, इस्लाम स्प्रेड हो जाएगा विद लव एंड पीस, लव एंड पीस। थैंक यू मंजूर जी, थैंक यू, मैं आगे बढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हमको आपने एंटरटेन किया यहाँ पे, चलें, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।